गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास. ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4, टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 3. लेसन 3 इज एल्मनेक. वॉट इज द लेसन? एल्मनेक. एल्मनेक इज एन एनुअल कैलेंडर. इट हाईलाइट्स इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डाटा एंड टाइट टेबल्स. एल्मनेक क्या है? तो ये जो है एक एनुअल कैलेंडर हम इसको बोलते हैं, और ये डेट्स को जो है हाईलाइट करता है. और जो ये डेट्स होते हैं वो नंबर्स में आप देखेंगे, ठीक है. प्रेजेंट डे कैलेंडर. प्रेजेंट डे कैलेंडर में अब मैं बता रही हूँ कि प्रेजेंट डे कैलेंडर जो हमारे घर में जो कैलेंडर होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी. द ग्रेगोरियन कैलेंडर. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेगोरियन कैलेंडर. द ग्रेगोरियन कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 1582 बाय पोप ग्रेगोरी 13. ठीक है. अब ग्रेगोरियन कैलेंडर कब आया? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो आया 1582 में, और ये किसके द्वारा? तो पोप ग्रेगोरी 13, जिनके नाम पे इस कैलेंडर का नाम पड़ा. इट वॉज नेम आफ्टर द पोप ग्रेगोरी 13. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है पोप ग्रेगोरी के नाम पे इस कैलेंडर का नाम पड़ा, ग्रेगोरियन कैलेंडर. आप देखेंगे जो कैलेंडर्स, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग जो नॉर्मल कैलेंडर देखते हैं उस कैलेंडर की मैं बात कर रही हूँ. देयर आर 4 or 5 वीक्स इन ए मंथ. अब जो मंथ्स में जो होते हैं कितने वीक होते हैं, तो 4 or 5 वीक्स होते हैं. 12 मंथ्स मेक ए ईयर. एक जो साल होता है वो 12 महीने का होता है. ए ईयर हैज़ 365 डेज, और एक साल में जो है 365 डेज होते हैं. वाइल अब देखेंगे, वाइल ए लीप ईयर हैज 366 डेज, बट जब लीप ईयर आता है तो उस ईयर में जो है 366 डेज हो जाते हैं. ए लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल कि जब लीप ईयर जो आता है वो हर 4 साल के बाद आता है. अब देखेंगे, जनरली हम लोग फरवरी हैज 28 डेज होते हैं, ये सबको पता है. बट इन ए लीप ईयर, इन ए लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज. यू ऑल नो जब लीप ईयर आता है तो उस लीप ईयर में जो है फरवरी जो होता है उस 29 डेज का होता है. अब मैं बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर. अब ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से वो बना हुआ. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स. ये जो है किस तरह डिवाइड है? तो 12 मंथ्स में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से ये 12 मंथ्स में डिवाइडेड है. और जो ये कैलेंडर जो है, फर्स्ट मंथ जनवरी इज द फर्स्ट मंथ एंड द दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज सोलर कैलेंडर. ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है? तो ये सोलर कैलेंडर है. और ये जो कैलेंडर जो है इट इज़ ग्लोबली द मोस्ट वाइडली यूज सिविल कैलेंडर. ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन द साका कैलेंडर. हम फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड सेकेंड इज द साका कैलेंडर. वट इज दिस? दिस इज साका कैलेंडर. द साका कैलेंडर इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया. साका कैलेंडर क्या है? तो ये नेशनल कैलेंडर इसको कहा गया है. इट वॉज एडोप्टेड फ्रॉम 22 March 1957. और ये कब एडॉप्ट किया गया? तो 22 March 1957. और मेघनाथ साह the head of the calendar reforms committee. और इस कैलेंडर के जो, जब ये कैलेंडर बना तो उसके हेड जो थे वो मेघनाथ शाह थे. जब ये कैलेंडर बना, द साका कैलेंडर हैज़ कनेक्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और ये जो कैलेंडर, मैं जिस कैलेंडर, जो साका कैलेंडर की मैं बात कर रही हूँ, ये जो है ये हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कैलेंडर है, इतिहास से. द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर की ही तरह द साका कैलेंडर कंप्रिजम 365 डेज. अब साका कैलेंडर भी जो है वो भी 365 डेज का ही ये कैलेंडर होता है. एंड 12 मंथ्स और 12 महीने इसमें भी होते हैं. बट इन दिस कैलेंडर चैत्र इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. बट स्टूडेंट्स, इस कैलेंडर में आप देखेंगे, हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर में आपको बताया कि जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, बट इन दिस कैलेंडर चैत्र इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. ओके, एंड द फाल्गुन इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. और फाल्गुन जो है वो लास्ट मंथ होता है इस कैलेंडर का. इन लीप ईयर चैत कंसिस्ट ऑफ 31 डेज एंड बिगिंस ऑन मार्च 21st. और ये जो कैलेंडर है ये चैत से स्टार्ट होता है, और इसमें जो है
ये जो कैलेंडर है इसमें जो लीप ईयर जो है वो चैत्र को कहा गया है और 31 डेज जो होता है चैत्र मंथ में होता है और ये जो कैलेंडर है ये स्टार्ट होता है 21st of March से। अब देखेंगे, अब लुक इट हियर डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड द शाका कैलेंडर। द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज ए सोलर कैलेंडर और द शाका कैलेंडर इज ए ल्यूनिसोलर कैलेंडर। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। What is this? This is January is the first month of the year and the Chaitra is the first month of the year. आप समझ रहे हैं? You all know कि मैं क्या बता रही हूँ, इसमें आप differences देख रहे हैं। And this line, February has 29 days during the leap year. अब इसमें leap year में 29 days February में होता है and in this Chaitra has 31 days during the leap year. और इसमें चैत महीने में जो है उसको हम leap year बोलते हैं शाका कैलेंडर में और उसमें 31 days होते हैं। Time in history. अब इतिहास में जो हम लोग टाइम, जो हिस्ट्री में जो हम लोग टाइम देखते हैं वो किस तरीके से हम लोग देखते हैं और उसको कैसे समझते हैं। इन हिस्ट्री वी नोटिस डेट ईयर सेंचुरी इटी से। अब हम लोग हिस्ट्री में डेट्स देखते हैं, ईयर्स देखते हैं, सेंचुरीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल 273 BC और AD 711 but do you know what they mean? How are they calculate? आप इसको क्या, इसके इससे आप क्या समझते हैं और आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? BC यानी कि BC और BCE भी हम लिख सकते हैं। BC stand for before Christ, Jesus Christ के जन्म यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है था उसको हम लोग BC से इंडिकेट करते हैं। All dates before the birth of Christ are expressed in BC. They are counted backwards. और ये पीछे की ओर होता है। For example, 273 BC. It means कि ये जो है ईसा मसीह के जन्म के 273 years पहले की ये बात है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इंडिकेट करते हैं। BCE stand for before common era. इसको हम लोग पढ़ते हैं। AD और CE. AD का मतलब और CE का मतलब। AD stand for the two Latin words. Anno Domini. दो वर्ड से ये बना हुआ है AD, एनोडोम, दैट मींस इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हो गया उनके बाद का ये समय है। ऑल डेट्स ऑफ ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन AD. दीज ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल 218 कैन ऑल्सो बी रिटेन एज AD 218. अब हम लोग जब देखेंगे कि जब AD आता है तो वो जो है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, तो वो फॉरवर्ड को, मतलब आगे की ओर हमें बताता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो है समय उसको AD से हम लोग इंडिकेट करते हैं। CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। अब CE भी जो है उसको भी हम लोग, जैसे कि हम लोग 218 CE लिखेंगे तो सेम थिंग, AD 218 और CE इज 2018 भी लिखेंगे तो वहाँ भी वही मीनिंग होगा और यहाँ 2080 CE लिखेंगे, दैट मीन्स सेम थिंग। अब पर्पस ऑफ द टाइम डिनोटेशन। द टर्म्स BC एंड AD आर मेंटेन टू डिनोट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट्स और एवेंट्स। जो घटनाएं या जो बीती बातें जो हैं या जो चीज़ हो चुका है वो उस चीज़ को हम किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो जहां BC लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है बिफोर है, ये मतलब ये पहले की बात है। AD मतलब आफ्टर, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की ये बात है और ये उनके जन्म के बाद की बात है, तो हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। दे ऑल्सो इंडिकेट द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशंस ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। अब ये जो है हमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशंस को भी दिखाता है, जैसे कि इतिहास के जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण काल है, जैसे कि आप जब हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, जब बड़े क्लास में आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो हिस्ट्री का जो बुक होता है उसमें बहुत जगह आप देखेंगे BC लिखा रहेगा, कहीं AD लिखा रहेगा, तो वो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिकॉज कि मैं आपको इस चैप्टर में बता चुकी हूँ कि वॉट इज़ द means of BC and what is the means of AD. So in this chapter we will study in all the things of calendar. So thank you, have a nice day.